हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं तुम लोग को बताऊंगा अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हो तो हम ओपनिंग कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पे कैलकुलेट करते हैं। अगर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल ऑन 31st March 2021 6 लाख एंड 3 लाख, रेशियो 3:1। ए एंड बी ड्वाइंस 80,000 एंड 40,000, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 80,000। बी इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 70,000 ऑन October 1st 2020, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एन। इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है, क्लोजिंग कैपिटल दिया है 31st March 2021 6 लाख एंड 3 लाख। सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, उसका एक फॉर्मेट यहां बना है। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल पार्टिकुलर ए एंड बी। क्लोजिंग कैपिटल 31st March 2021 ए 6 लाख, बी 3 लाख। ड्राइंग्स को प्लस किए, ए 80,000 बी 40,000। टोटल अमाउंट ए 6,80,000 बी 3,40,000। प्रॉफिट को माइनस करेंगे, प्रॉफिट 80,000 पूरा फर्म का है, ड्यूरिंग द ईयर है, रेशियो 3:1, रेशियो 3:1, 3:1 में 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए 60,000 एंड 20,000, 6,20,000, 3,20,000 माइनस एडिशनल कैपिटल बी 70,000। ओपनिंग कैपिटल 1st April 2020 ए 6,20,000 बी 2,50,000। अब ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो गया, ए का 6,20,000 बी का 2,50,000। नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर ए 1st April to 31st March 1 year 6,20,000 इंटू 12/100 74,400। फॉर बी ऑन 1st April to 30th September 2020 6 month 2,50,000 12/100 इंटू 6/12 15,000। On 1st October to 31st March 2021, 6 month, 3,20,000, 12/100 into 6/12, 19,200. For B, interest on capital, 34,200. Thank you.